चैनल शुरू हो चुका है और ये देखिए हमारे साथ है, हमारे भी 10 फॉलोअर है, गांव में रहते हैं। तो ये हमें गांव से उन्होंने अपनी फसलों का साग लाके दिया है, ये अपने गांव से वो तोड़ के लेके आए स्पेशल। ये है देसी सरसों का साग और वो साग पालक। और इन्होंने कहा कि हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आप खुद आएंगे, अपने हाथों से साग तोड़ के लेके जाएंगे, तो आप लोग आ नहीं रहे थे, हम खुद तोड़ के लेकर आए आपके लिए साग, हम आपको देने आए हैं। तो ये देखिए ना, हमें ये साग देकर गए हैं। सुबह सुबह फजर की नमाज का टाइम था और आए हैं, हमें साग दे गए हैं। अब हम साग काट के इसको चूल्हे में रखने लगे और इसके बाद भी हम लोगों को काफी दावत आई हुई है। हमने मिलाद की दावत खाने के लिए 12 अवेलेबल, आज 12 अवेलेबल का खास दी है और हमें बहुत ज्यादा जगहों पे लोगों ने इनवाइट किया है। हम दोनों फटाफट साग बना के ना पका के इसको रख के तो जाएंगे दावते खाने के लिए। आपके साथ जरूर मैं वो भी वीडियो शेयर करूंगी। आप मेरे ब्लॉग को शेयर नहीं करते, वॉच टाइम भी नहीं दे रहे मेरे, हम लोग जो है वो इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यकीन करें मेरे ब्लॉग में इतनी मेहनत से बनाती हूँ लेकिन मैं आपको देखती हूँ कि आप लोग वॉच नहीं कर रहे, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कि मेरे ब्लॉग कोई खास लाइक भी नहीं आ रहे। मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल जो है ना वो रुक गई है, स्टॉप हो गया है। देखिए इतनी मेहनत करके आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं कि आप लोग देखें सचो क्या कर रही है। तो अभी 12 अवेलेबल का भी इंशाल्लाह आपको सारा दिखाएंगे, जगह जगह जो है बाजार बाजार सजा हुआ है, पहाड़ियाँ बना रहे हैं बच्चे। सुबह सुबह का टाइम है, हम बाहर गए थे थोड़ा सा देख कर आए हैं। तो अभी ऐसा है कि बस ये साग बराबर बना रहे हैं। पहला ब्लॉग जो है ना ये साग वाला, ये आज अपलोड नहीं करेंगे, ये हम कल अपलोड करेंगे। आज आपको मिलाद की रंग बिरंगी रौनकें दिखाएंगे, सजे हुए बाजार दिखाएंगे और न्याज जो है वो जगह जगह खिला रहे हैं वो सब दिखाएंगे। तो अभी आप हमारे साथ रहिएगा, वॉच करते रहिएगा हमारे ब्लॉग को। हम साग अभी काट लें फिर हम उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे आगे हम क्या करने लगे। अब हमारा साग जो है ये हम चूल्हे पे रखने लगे हैं और इसके बाद फिर हम लोग न्याज खाने के लिए निकलने लगे हैं। हमारे इन्विटेशन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, कल रात को सारी रात हमें कॉल आती रही है, कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से। तो अभी बस साग को आधा पका के चूल्हा बंद करके मैं निकल जाऊंगी क्योंकि अभी कॉल बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा कॉल आ रही है। जैसे जो कितनी की देर और आप लगाओगे नाश्ता, देखिए न्याज का हमने आपके लिए हमारा स्थान देखे हमने रख दिया। ईद उल नबी का दिन है, लोग न्याज खा रहे हैं जा जाके और हम साग पका रहे हैं। पर तो हमें कॉल में कॉल आ रही है कि जल्दी करो सोचो अपनी फैमिली को लेके आओ, हम लोग देखो काफी देर से वेट कर रहे हैं आपका। हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो भी बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए और न्याज खाने के लिए। अब हम जा रहे हैं न्याज खाने। अभी तो साग जो है इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, इसको चूल्हे पे मैं बंद करके गैस रख जाऊंगी और बाकी साग में आगे पकाऊंगी। हम सारी रात भी साग पकाते रहे तो कोई टेंशन नहीं, पहले न्याज को खाए। जो खास दिन है ईद उल नबी का, यशोपुरम से मनाए आप भी न्याज खाए और हम भी यशोपुरम से ईद उल नबी का दिन मनाएंगे और न्याज खाएंगे। ये देखे जरा हमारा सरसों का साग कम्प्लीट हो चुका है, पक चुका है और इसमें मैं ये गंदुम का आटा डाल के ये देखिए इसको घोल लेंगे। मैं पकड़ती हूँ, चले अच्छी तरह इसको खीर की तरह बनाना है। ये गंदुम का आटा जो है ना इतना ज्यादा भी नहीं डालते, बस इतना डालते हैं जिससे ये साग जो है ना ये खीर की तरह हो जाए और मिल जाए, ठीक है ना। ये अच्छी तरह से घुलना चाहिए साग, इसकी जो गंदल है ना वो मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखें ये सबर धनिया पास रखा हुआ है, सबर धनिया जो है देखिए माशाल्लाह से, हाँ इसकी खुशबू भी बेहद लगती है। चले राशि जल्दी 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 सबर धनिया डालेंगे और इसको डाल के मैं पकड़ती हूँ गोटे ऐसे। ये देखें आप देखें ना, आपको देखने में ये साग प्यारा लग रहा है ना, सिर्फ देखने में नहीं ये खाने में भी बहुत लजीज होगा, बहुत मजे का बलदार पराठे बनेंगे और साथ ये गर्मा गर्म साग के ऊपर मक्खन डाल के बच्चों को और खुद भी हम खाएंगे।
हम तो इसी तरह साग पकाते खाते हैं, तड़का लगा के मैं नहीं खाती। मैं इसी तरह इसको गर्म करूंगी सुबह थोड़ा सा, उसमें मक्खन गर्म गर्म डाल के बच्चों को बदाम काजू बना के दूंगी या चावल बॉयल कर दूंगी। ये दो तरीके हैं। हाँ, अगर साग को ज्यादा दिक्कत है तो उसमें चिकन ग्रेवी वगैरह बना के उसमें ये जो है मसाला भून के साग को थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर उसमें चिकन जो है वो अलग से इसको बॉयल करके दे पसंद और वो डाल के काली मिर्च नमक डाल के तो वो इसमें मिक्स करके साग में इस तरह भी बना लेते हैं। लेकिन ऐसे भी बना लेते हैं, चिकन को अच्छी तरह मसाला भून के पका के थोड़ा सा साग इसमें मिक्स कर दें और उसको स्टीम में रख दें चिकन में मिक्स करके, तो आप देखिएगा 5-10 मिनट बाद वो बड़ा प्यारा जो है स्टीम पे चिकन वाला साग बनता है। बड़ा कुछ आप भी बना सकते हैं। हमारा साग जो है सबल धनिया डाल के और गंदम पाउडर डाल के हमने घोल लिया है, तो घोल लिया है इसको अच्छी तरह। तो अभी ऐसा है कि आज के दिन के लिए इतनी ही एक्टिविटी, इतना ही ब्लॉग काफी है। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ ही आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। इतनी देर के लिए ज्यादा जाते हैं, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा, हम साग खाएं और आप लोग भी लाएं और पकाएं।